मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ आज हम जो दुकान संबंधी जो उपाय बताते हैं, दुकान संबंधी जो वास्तु उपाय बताता हूं, वो सब को लेकर के मैं क्रमशः हर दिन शाम को 6 बजे आता हूं, आप सभी के साथ में जुड़ता हूं। आज हम फिर से 2 विशेष उपाय पर चर्चा मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि दुकान हमारा जो है, अगर व्यवसाय में मंदी आ रही है, कोई भी ऐसा कारण है जिससे हमको लगता है कि अचानक से हम व्यापार बदलते हैं या स्थान बदलते हैं, या फिर वही सब चीज़ रहने के बाद भी हमको समझ नहीं आता कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसे में हमको चिंता हो जाती है। और इस चिंता से दूर होने के लिए हमको कुछ सरल उपाय करने चाहिए। इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। इसको अधिकतर जगहों पे प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े लोग इसका प्रयोग करते हैं और ये अचूक भी है। तो इस रामबाण अचूक उपाय को आइए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमको लगती है। यहाँ पे ये कौड़ी है, विशेष रूप से 4 कौड़ी जरूर रखें, इसका प्रयोग मैं बताऊँगा। एक नींबू का प्रयोग रहेगा, इत्र जो है इसका प्रयोग रहेगा, और ये नमक है इसका प्रयोग रहेगा। तो हम सबसे पहले देखिए, 2 वैसे कांच का ग्लास है अपने पास। पहला प्रयोग हम लोग करते हैं यहाँ पर। इस कांच के ग्लास में हमको पहले जल पूरा भर लेना है। पहले इसमें जल भर लेवे, और ये जैसे ही जल आधे के पास पहुंच जाए, आधा पानी भरने के बाद यहाँ पर हमको विशेष उपाय कुछ नहीं है, एक साबुत नींबू लेना है। आप नींबू देख सकते हैं जिसमें ज़्यादा काला दाग धब्बा ना हो, हरे रंग का हो या हल्का पीला रंग लिया हुआ रहे, ऐसे नींबू को हमको प्रयोग करना चाहिए। इसको कुछ नहीं, ऐसे सीधे हाथ में रखना है, और महालक्ष्मी जी का जो मंत्र है आप वीडियो में देख सकते हैं डिस्प्ले में, ओम एम रिम श्रीम श्री महालक्ष्मी नमः, इसका 11 बार पाठ कर लेवे और आँख बंद करके ही इसको इसमें डाल देवे, और विनती करें कि हे महालक्ष्मी जी, हमारे व्यापार में अगर कोई बाहरी दोष है, कोई प्रकार का नज़र दोष लगा हुआ है, तो इस उपाय को सदा करना चाहिए। इस उपाय को करने से नींबू रहेगा, और इसको 3 दिन बाद इस पानी को बदलना है। आप चाहे तो सोमवार या शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को करें। सोमवार को करेंगे तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन के बाद बुधवार की रात को इस पानी को हमको कैसे करना, मैं अंतिम में बताऊँगा। अब इसके साथ ही साथ एक दूसरा उपाय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। एक और ऐसे ही ग्लास लेना है। अगर हमको लगता है कि हमारा व्यापार अचानक से मंद हो गया है, अचानक धीमा हो गया है, तो हमको घर का जो नमक है या सेंधा नमक है, इसको ले करके 1/3 भाग में विशेष रूप से नमक को डालना है, या नीचे का जो भाग है वहाँ नमक को डालना है। और इस नमक को लेने के बाद इसमें हमको पानी जो है उसको मिलाना है। तो पानी मिलाते समय फिर वही मंत्र को बोलेंगे, ओम एम ह्रीम श्रीम श्री महालक्ष्मी नमः। इसको आपको पूरा कर लेना है, पूरा भरते जाएंगे, पूरा भरेंगे, लगभग कंठ तक आते हुए इसको भरेंगे, और इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से एक अंकुश मुद्रा बनाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, एक अंकुश मुद्रा ऐसे अकोड़े के आकार की मुद्रा होती है, जिसको अंकुश मुद्रा हम लोग किसी चीज़ को खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। इसको जब ऐसा रखेंगे तो इस मंत्र को जरूर सुन लेवे, श्री महालक्ष्मी देव्यई मम गृहे स्थिर भव, ऐसा करके लाना है और इसको इसमें डुबो देना है। इसको डुबाने के बाद आपको यहाँ से ये वाला जो, इसलिए बोला गया है कि समुद्र से निकली है महालक्ष्मी जी, तो इस समुद्र का निर्माण यहाँ किए हैं। अब इस अंगूठे की सहायता से समुद्र में जैसे 7 भावर होता है चक्र जैसा, वैसे 7 बार इसको घुमा लेना है। 7 बार घुमाने के बाद हमको प्रणाम कर लेना है। बने तो एक कूर्म मुद्रा बनाना चाहिए। ये 2 उंगली को ऐसे पीछे कर लीजिए, और ये 3री अंगुली को भी पीछे कर लीजिए। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये तीनों हो जाए तो सीधे हाथ के बीच के दोनों उंगली को आपको ऐसे मोड़ लेना है, और छोटी अंगुली को छोटी में, और ये वाली जो है इसको यहाँ रख के ये मणिबंध पे इसको रखना चाहिए। ये हो गई कूर्म मुद्रा, ये तीनों अंगुली और छोटी उंगली पे ये, और यहाँ पे ये अंगूठे पे इस तर्जनी को रख करके ये रख के एक मंत्र बोलना है, श्रीम श्रीम श्रीम, इसका आपको कम से कम 11 बार, एक बार में जब भी पहले दिन करें तो श्रीम 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 करके 11 बार बोलें, और उसके बाद प्रणाम कर लें, श्री महालक्ष्मी नमः। ये उपाय हुआ। अब इसी उपाय में एक और चीज़ जुड़ता है कि ये जो कौड़ी है, इसको विशेष रूप से इसमें जो समुद्र में रत्न होते हैं, उस रूप में आपको कौड़ी को इसमें डाल लेना है।
और यहाँ से थोड़ा सा इत्र जरूर निकालना है। इत्र को निकाल करके इत्र को भी इसमें मिला लेवे। जब इत्र को मिलाएंगे तो ये सुगंधित जल बन जाएगा, ये अमृत कुंभ जैसा बन जाएगा। समुद्र के अंदर ही अमृत है, तो इसको करने से हमारे दुकान में कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं मिलता और चमत्कारिक रूप से हमको लाभ अवश्य मिलता है। तो ये दोनों उपाय को करें। अब आप बोलेंगे इस उपाय को महाराज जी आपने बताया था कि अंतिम में मैं बताऊँगा कि इस नींबू को कब निकाले या इस जल को क्या करना है। इस जल को देखेंगे कि 3 दिन बाद इस जल में बुलबुला या कालापन या नींबू जल्दी से काला तो नहीं पड़ रहा है। अगर ये नींबू जल्दी से काला पड़ रहा है तो हमको ये सचेत करता है कि हमारे दुकान पर किसी का कोई भी बाहरी प्रभाव पड़ा हुआ है। तो इसमें हमको अपने पंडित जी से मिलना है, कोई ना कोई कवच जरूर करवा लेना है, मंदिर की वास्तु को जरूर, या कुछ ना हो तो सत्यनारायण जी का हमको कथा करवा लेना चाहिए, और कुछ ना बने तो गणेश जी का, श्वेतार्क गणपति जी का स्थापना अपने दुकान में करना चाहिए। तो ये दोनों जो उपाय हैं इसको आपको तीसरे दिन, जैसे सोमवार को करें तो सोम मंगल बुध बुधवार के दिन शाम के समय किसी बहते वाले जल में, या नदी मिले या कोई नाला मिले तो आप उसमें डाल सकते हैं। गंदे नाले पे भी आप डाल सकते हैं या फ्लश कर सकते हैं वॉश बेसिन में करके। आप इसके जो नींबू हैं इसको देख लेंगे और इस नींबू को काटना है। अंतिम दिन में जब निकालेंगे तो इसको निकालेंगे तो अपनी स्थिति को देखते हुए पानी को फेंकेंगे और 4 भाग में को काट लेना है। तो उस उपाय को भी मैं, जो नींबू का उपाय है, उसको अगले वीडियो में अवश्य बताऊंगा। आज के लिए ये समझ जाइए कि इसको करने से हमारी दुकान में अगर कोई भी प्रकार का बाहरी दोष है, कोई प्रकार का नज़र दोष है, दुकान में कोई प्रकार की ऐसी समस्या है जो हमको नहीं पता चल रहा है, बहुत पूजा करने के बाद भी उपाय नहीं पता चल रहा है, तो इस उपाय को करने से तुरंत ही उसमें परिवर्तन दिखता है, तुरंत लाभ मिलता है। और अगर इसमें बहुत नींबू वाले में बहुत जल्दी पता चलता है नींबू काला पड़ गया, लाल पड़ गया, जल्दी दाग धब्बे पड़ रहे हैं, तो हमको यहाँ पे सचेत रहने की ज़रूरत है, कोई ना कोई प्रयोग जरूर किया है। एक बात और ध्यान रखें, इस नींबू वाले को हमको रखना कहाँ पे, काउंटर में सामने में या तो रख सकते हैं या फिर नैऋत्य कोण, जिसको दक्षिण और पश्चिम का कोना बोला गया है, उस नैऋत्य कोण में इसको रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, जब इसको रख देवे तो बाद में कोई भी इसको न छुए, इसका ध्यान रखना है। 3 दिन तक वैसा ही रखे रहना है, इसको कोई बार बार छुएगा नहीं पानी में, हाथ उंगली कुछ भी नहीं डालना है, इसको दूर में ही रख देना है, सबको बता देवे जो आसपास के कर्मचारी हो। तो इस उपाय से आपको अवश्य लाभ मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि आप सभी श्रद्धा भाव से करेंगे तो पूरा का पूरा फल मिलेगा, आपका व्यापार बहुत ज़्यादा चले। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।